न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। भारत सरकार की, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक नया कानून पास करने का सुझाव दिया है। कैबिनेट ने वो ठराव मंजूर कर दिया है। जो कैबिनेट का ठराव है, कैबिनेट ने जो रिजोल्यूशन किया है, वो ऐसा है कि आज तक, अभी तक 15 साल से 18 साल की जो लड़की होती थी, वो सेक्स के लिए, वो शरीर संबंध के लिए कंसेंट दे सकती थी, मतलब वो हाँ कह सकती थी, वो मंजूरी दे सकती थी। अगर आपने 15 से 18 साल की उम्र की जो लड़की है, तीन साल के बीच की जो लड़की है, 15 से 18 साल की, उसके साथ अगर वो लड़की की मंजूरी हो, सहमति हो, तो आप शरीर संबंध रख सकते थे। अब हमारी कैबिनेट ने ये सुझाव दिया है कि 18 साल तक लड़की के साथ उनकी सहमति से भी अगर आप शरीर संबंध बनाओगे तो आपने रेप किया है, ऐसा ही गुनाह आप पर लगेगा। मतलब कि कोई भी लड़की को आप 18 साल तक शरीर संबंध नहीं बना पाओगे। 18 साल की लड़की हो जाए, उसके बाद ही वो सेक्स के लिए अपनी सहमति दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती। बिल्कुल कोई गधे ने, कोई बेवकूफ आदमी ने ये बात कही होती तो भी ठीक नहीं होती। और भारत की पूरी कैबिनेट, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल है, ये कानून के लिए हा कर रही है कि अब अगर ये कानून संसद में पास हो गया तो कोई भी लड़की 18 साल तक सेक्स कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि कौन तैयार होगा? उनकी हाँ कहने पर, उनके निमंत्रण के बाद भी वो लिखित में देती है तो भी अगर आप उससे शरीर संबंध रखते हैं, कोई भी पुरुष उसके साथ शरीर संबंध करेगा, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब ये बिल्कुल बेवकूफी पूर्ण निर्णय है। बिल्कुल ये निर्णय करने से पहले उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं। अभी तक ये उम्र 15 साल की थी कि 15 साल से बड़ी लड़की सेक्स के लिए, शरीर संबंध के लिए हाँ कह सकती है। अब सरकार ये उम्र बढ़ा के 18 साल करना चाहती है। जब ये 15 साल की उम्र तय हुई, तब लड़कियां 12, 13, 14 साल के बाद स्त्री बनती थी, मेंसिस में आती थी, वो स्त्री बनती थी। मगर अब टीवी की वजह से, सिनेमा की वजह से, इंग्लिश टीवी भी, इंग्लिश चैनलें भी अब अपने भारत में दिखने लगी है, तो सेक्स की इतनी भरमार हो गई है, इंटरनेट पे आप इतना सेक्स देख पाते हो। जब हमारे अकेले एमएलए ही नहीं देखते सेक्स, सेक्सिडी विधानसभा में ही नहीं देखते, घर पे भी बच्चे, बूढ़े, जवान सब अब ये इंटरनेट पर दिन रात देख सकते। तो इसकी वजह से अब लड़कियां कोई 10-11 साल के बाद मेंसिस में बैठने लगी है। 10-11 साल की लड़की पुख्त हो जाती है, महिला हो जाती है, वो स्त्री बन जाती है। जब पहले 13-14 साल का ये मामला था, तब 15 साल की उम्र सोची गई थी कि 1-2 साल तक उसे परिपक्व होने दे, उसे एक गैप दिया जाए। मगर अब जाके 10-11 साल में कोई लड़की स्त्री बन रही है, और आप कहते हो ये बेवकूफ सरकार चाहती है कि वो 18 साल तक उपवास रखे, वो 18 साल तक अपना कौमार्य बना रखे, वो 18 साल तक सेक्स का एंजॉयमेंट न करे, तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। ये होने वाला नहीं है। ये बात सरकार जो कर रही है वो विज्ञान के खिलाफ है। तो सरकार ये चाहती है कि अब 18 साल ये उम्र कर दो। अब बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे अगर ये कानून पारित हो गया संसद में। पहली बात तो ये होगी, कोई 16-17 साल की लड़की कोई लड़के को कह रही है कि आप मेरे साथ, मैं आपको, आपके प्रेम में हूं, मैं आपसे संबंध रखना चाहती हूं,
और वो डरा भी सकेगी, वो डराएगी वो लड़के को, अगर आपने मेरे साथ संबंध नहीं रखा तो मैं चिल्लाऊंगी, मैं कपड़े फाड़ दूंगी, मैं आपको फंसा दूंगी। अब लड़के के पास क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है? तो ये कानून ही बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। आज 15 से 18 साल के बीच जो लड़कियां हैं, अगर शरीर संबंध बनाती है, गर्भ भी रह जाता है, उसे बच्चा भी रह जाता है, वो डॉक्टर के पास चली जाती है, अबॉर्शन हो जाता है, बात सब भूल जाते हैं सब। मगर अब ये कानून अगर पारित हो गया तो हालत ये होगी कि 15 से 18 साल के, मतलब 18 साल तक की कोई भी लड़की कोई भी डॉक्टर के पास जाएगी कि मुझे गर्भपात कराना है, तो डॉक्टर को पहला काम पुलिस को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर उसे जांचेगी नहीं, उसे देखेगी नहीं कि कितने महीने का गर्भ रहा है। पहली फर्ज यह बन जाएगी कि वो 100 नंबर घुमाए, पुलिस को बुलाए और कहे कि एक बड़ा गुना हो गया है, 10 साल की सजा हो, ऐसा गंभीर गुना हो गया है। अब ये लड़की से पूछो कि वो गुनहगार कौन है। तो 15 से 18 साल के बीच जो लड़कियां है उसका गर्भपात कराना भी मुश्किल हो जाएगा। वो गर्भपात नहीं करा पाएगी जब तक कि पुलिस केस न बन जाए। पहले पुलिस केस बनेगा, फिर वो गर्भपात करा पाएगी, मतलब उनका नाम बाहर आ जाएगा, वो लड़की कौन है वो पता चल जाएगा सबको, समाज में वो बदनाम होगी, बाद में ही वो गर्भपात करा पाएगी। तो ये करना चाहती है सरकार। मैं तो कहता हूं कि सरकार ये कानून न लाए, बेवकूफी भरा कानून है, बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कानून है। उसकी जगह जो सरकार को करना चाहिए वो अलग बात है, उम्र घटाने वाली बात है। अगर सरकार महिला आयोग से पूछे, पूरी रिसर्च कराए, साइंटिस्टों से पूछे, डॉक्टर से पूछे, और 15 की जगह हो सके तो 14 साल की लड़की कंसेंट कर सकती है, वो कानून सुधार करने की जरूरत है। 15 की उम्र बढ़ा के 18 करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी करना है 14-13, तो आज जो है 15 वो कानून बनाए रखे। और मेरी एक दूसरी मांग है, आज जो हमारा कानून है माइनोर एक्ट, जिसमें व्याख्या की गई है कि 18 साल तक का जो लड़का है वो माइनोर गिना जाएगा और उसे कोई सजा नहीं होगी, वो चाहे कोई भी गुनाह कर ले, 18 साल तक का जो लड़का है या लड़की है उसे कोई सजा नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी गुनाह कर ले। मैं ये मांग कर रहा हूं कि ये कानून को सुधार के 18 साल का लड़का या लड़की कोई गुनाह नहीं कर सकती, वो मान्यता चल नहीं सकती। अब 12-14 साल के लड़के इतने होशियार हो गए, लड़कियां इतनी होशियार हो गई है कि ये जो 18 साल तक माइनर कहा जाता है और वो कोई गुनाह नहीं कर सकता, ऐसा एजम्पशन करके चलते वो व्याख्या बदल दो। अब 14 साल तक का लड़का या लड़की गुनाह नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता लाने के, ऐसी व्याख्या करने के दिन आ गए हैं। तो ये 18 साल की जो उम्र है सजा नहीं होने की, वो घटा दो, उसमें कमी कर दो, वो 14 साल कर दो, कि 14 साल तक का लड़का या लड़की गुनाह करेगा तो उसे सजा नहीं होगी। और उसमें भी एक्सेप्शन रखो, उसमें भी अपवाद रखो कि अगर उन्होंने देशद्रोह का काम किया, अगर 14 साल से कम उम्र के लड़के ने भी सामूहिक हत्याएं करी, टेररिस्ट एक्ट किया, तो चाहे कितनी भी उम्र का होगा उसे सजा होगी। 8 साल का बच्चा है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे समझाया जाता है कि हमारे धर्म के लिए ये बॉम्ब आपको यहाँ लगा देना है स्टेडियम में, और वहां वो बच्चा 12 साल का 10 साल का बच्चा वो बॉम्ब लगा देता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और वहां 100 आदमी मर जाते हैं, और फिर वो बच्चा गर्व से अपनी तस्वीरें निकलवाता है और पत्रकारों को बयान देता है कि मैंने ये बॉम्ब रखा था और फूटा, 200 आदमी मर गए। अब आप वो बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। कसाब
ने भी ये ट्राई किया था, कसाब के वकील ने ये स्टैंड लिया था कि कसाब 18 साल से कम उम्र का है, अगर ये बात पुरवार हो जाती तो कसाब को हम कोई सजा नहीं दे पाते, चाहे उनकी वजह से 200 आदमी क्यों ना मर गए हो। तो ये कानून बदल दो, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो गुनाह नहीं कर सकते, ऐसी व्याख्या करो, मगर उसमें एक्सेप्शन रखो कि देशद्रोह का काम है, दुश्मन देश के साथ मिलके की हुई कोई साजिश है, कोई सामूहिक हत्याएं है या फिर रेप है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जहां तक कोई भी उम्र का 12 साल का भी लड़का अगर रेप करता है तो हम कैसे मान ले कि उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो रेप कर ही तब पाएगा जब उसे पता होगा कि वो पुख्ता हो गया है और वो शरीर संबंध बना सकता है। तो कोई भी उम्र का लड़का अगर रेप करता है तो उम्र नहीं देखी जाएगी, क्योंकि रेप करने का मतलब ही है कि वो समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। बिना समझे, जिसमें अकल नहीं आई, कोई 8 साल का लड़का है जिसे सेक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, वो रेप नहीं कर पाएगा। 10 साल तक अगर वो नहीं समझता है तो नहीं रेप कर पाएगा, पर 11-12 साल का लड़का है और वो समझ ही गया है कि मैं क्या कर सकता हूं, तभी वो रेप कर पाएगा। तो रेप के लिए भी उम्र निकाल दो कि रेप कोई भी उम्र का लड़का रेप करेगा तो उसे सजा होगी, जैसे ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। कहा नहीं गया कि 60 साल से ऊपर का कोई आदमी रेप करेगा तो वो रेप नहीं कहा जाएगा, कोई भी उम्र नहीं रखी। तो नीचे भी रेप के बारे में जो उम्र रखी है, आज 17 साल और 11 महीने का लड़का रेप करता है तो उसे माफ कर दिया जाता है, उसे कोई सजा नहीं होती क्योंकि वो माइनर है। हम मानते हैं कि वो अभी बच्चा है, अभी बच्चा नहीं है, जब बच्चा नहीं रहा तब तो उन्होंने रेप किया। तो ये माइनर की जो व्याख्या है वो बदल दो, 18 की जगह 14 करो, और उसमें भी एक्सेप्शन कर दो कि कोई भी उम्र का लड़का अगर लड़का या लड़की देशद्रोह करेगा, सामूहिक हत्याएं करेगा, क्रिमिनलों का साथ देगा, हथियार ऑटोमेटिक गन्स उपयोग करेगा तो उसे सजा होगी। और साथ में 14 से कम उम्र का लड़का अगर ऐसा गंभीर कृत्य करता है तो उसके बाप को भी सजा करो, तब जाके देश में शांति बनेगी। नहीं तो देखो, अब थोड़े ही साल में आप देखोगे कि 17 साल के 6 लड़कों ने मिलके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लूट ली और लाखों रुपया गबन कर गए, उठा के ले गए, खर्च कर दिया, और अभी हाजिर भी हो गए और कह रहे हैं कि हमने पैसा खर्च कर दिया। चलो क्या कर लोगे, कानून में तो लिखा है कि उसे आप सजा नहीं कर सकते। अब कौन कहता है कि 17 साल और 8 महीने का 10 महीने का लड़का गुनाह नहीं कर सकता, लड़की गुनाह नहीं कर सकती। तो उम्र यहां घटाने की जरूरत है, और वो जो कानून लाना चाहती है सरकार वो तो बात ही भूल जाए, नहीं तो समाज में बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो सरकार को जो करना है वो ये करना है कि देशद्रोह में जो पकड़े जाते हैं, और एक सुधार और भी लाना है कि देशद्रोह में पकड़े जाते हैं, बड़ी डकैती में पकड़े जाते हैं, या फिर टेररिस्ट एक्ट में जो पकड़े जाते हैं, उसे कोर्ट अगर फांसी की सजा दे ही देती है तो वो राष्ट्रपति को अपील नहीं कर सकते। बहुत सारे कानून बनाओ कि इसमें आप राष्ट्रपति को अपील नहीं कर सकते, सरकार के पास नहीं जा सकते। अगर कोर्ट ने आपको फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर रखी, तो एक महीने में आप लटक जाओगे, ये भी कानून लाओ। मगर ये क्या बचपना है कि 18 साल तक की लड़की कंसेंट नहीं दे पाएगी, सहमति नहीं दे पाएगी। तो बेवकूफी भरे जो कानून लाने की बात सोच रहे हो वो छोड़ो, त्रासवाद के सामने लड़ने के लिए कानून लाओ। और माइनॉरिटी माइनर की उम्र जो है वो 18 से कम करके 14 ले जाओ, ये हमारी मांग है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।